बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये गुड बाय मिस्टर चेप्स का चैप्टर 8 है, कैथराइन्स डेथ, कैथराइन की मौत। 1 अप्रैल 1898 को कैथराइन बच्चे की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर गई। इसका 9 महीने का बच्चा भी मर गया और ये वाक़या चिप्स के लिए नाकाबले फरामोश था। वो इंतहाई सदमे में था और वो किसी की तजियत वसूल नहीं करना चाहता था। उसने खुद को ममूल के काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश की और उस दिन को उसको लातदाद खतूत मिले जिसमें कोरे कागज़ के सिवा कुछ न था। चिप्स ने इस पर कोई तबसरा न किया। बाद जहाँ उसे अंदाज़ा हुआ कि इसके साथ अप्रैल फूल मनाया गया है, उसके साथ ये 1 अप्रैल को ये अप्रैल फूल मनाया जाता है और हमारे हम ये पहले था लेकिन अब काफ़ी लोग जो हैं वो समझदार हो गए हैं, अब काम कम ही चल रहा है। अब देखते हैं इसकी बकायदा ट्रांसलेशन। एंड देयर वाज ऑलवेज इन हिज माइंड दैट स्प्रिंग डे इन द 1908 व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रोकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। हॉरिफाइंग नाइटमेयर हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड वेयर द सन स्टिल शोन एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली। Young Faulkner had met him there in lane outside the school. Please, sir, may I have the afternoon off? My people are coming up. 1898 के मौसम बहार का वो दिन उसके जेन में हर वक्त मौजूद रहता था जब वो ब्रोकफील्ड हालों से आरास्ता आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था और ऐसे जैसे कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा था। बैरूनी दुनिया में भाग जाने की महूम सी कोशिश कर रहा था। यह सूरज अब भी चमकता था और यहाँ पर हर चीज़ मुख्तलिफ थी। स्कूल से बाहर गली में नौजवान फॉक्स से उसकी मुलाकात हुई। मेहरबानी जनाब, क्या मैं शाम को छुट्टी कर सकता हूँ? मेरे वाल्देन आ रहे हैं, माई पीपल आर कमिंग अप। ए व्हाट इज दैट? ओ यस यस, कैन आई मिस चैपल टू सर? यस यस, एंड कैन आई गो टू स्टेशन टू मीट दैम? ही नियरली आंसर्ड, यू कैन गो to blazes for all I care. My wife is dead and my child is dead
एंड आई विश आई वाज डेड माइसेल्फ। क्या मेहरबानी, क्या मैं शाम को छुट्टी कर सकता हूँ? मेरे लोग मेरे वालदेन आ रहे हैं। और क्या, ओ हाँ हाँ, क्या मैं गिरजा से भी छुट्टी कर सकता हूँ? हाँ हाँ। और क्या मैं उनसे मिलने स्टेशन पर जा सकता हूँ? उसने तकरीबन ऐसा जवाब दिया, तुम जहन्नम में जा सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी मर जाऊँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी मर जाऊँ। मैं यही चाहता हूँ। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बॉडी or to receive condolences. He wanted to get used to things if he could before facing the kind words of others. He took his fourth form as usual after call over, setting them grammar to learn by heart while he himself stayed at his desk in a cold continuing trance. Suddenly someone said, please sir, there are a lot of letters for you. उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया और लड़खड़ाता हुआ आगे चल के दिया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, किसी से तजीती पैगाम कंडोलेंस तजीती पैगाम नहीं लेना चाहता था। वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहता था अगर वो कर सकता था। इससे पहले कि दूसरों से हमदर्दी के अल्फाज सुने, उसने हाजिरी के बाद अपनी चौथी क्लास हस्बे ममूल ली और लड़कों को ग्रामर ज़बानी याद करने पर लगा कर डेस्क पे बेहिस बैठ गया और सोच में पड़ गया। अचानक किसी ने कहा, मेहरबानी जनाब, आपके लिए बहुत से खतूत हैं, लेटर्स फॉर यू। So there were he had been leaning his elbows on them. They were all addressed to him by name. He tore them open one after the other, but each contained nothing but a blank sheet of paper. He thought in a distant way that it was rather peculiar, but he made no comment. The incident gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations. Not till days afterwards did he realize that
इट हैड बिन पीस ऑफ अप्रैल फूलरी दे हैड डाइड ऑन द सेम डे द मदर एंड द चाइल्ड जस्ट बॉर्न ऑन अप्रैल फर्स्ट 1898 और वो वहाँ थे और वो अपनी कोलियों के बल झुका हुआ था और खतूत उसके नाम थे। उसने एक एक करके सबको फाड़ कर खोला लेकिन हर किसी में सिवाय सफेद कागज के कुछ न था। उसने कुछ मुखसे अंदाज में सोचा कि ये अजीब बात है लेकिन कोई तबसरा न किया। इस वाक्य ने इसकी गहरी सोच को मुश्किल ही से मुतासर किया था। कई दिन तक वो ये ना समझ सका कि ये अप्रैल फूल था। वो इसी दिन फौत हुए थे। माँ और नया पैदा होने वाला बच्चा 1 अप्रैल 1898 को फौत हुए थे। डियर स्टूडेंट, अब देखें इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके मानी आप देख लें और नोड है इशारा करना, स्टंबल, कदम लड़खड़ा कर चलना, कंडोलेंस, तदियत, ट्रांस, हवास बाख्ता, लीन, सहारा लेना, फिकुलर, मुनफरद, इम्पैक्ट, असर, प्री ऑक्यूपेशन, मगन, फूलरी और बेवकूफ बनाना। अप्रैल फूलरी होता है। ये इस पैरे में थोड़े बहुत मुश्किल अल्फाज हैं। अप्रैल फूल डे और ऑल फूल्स डे दोनों नाम ही हैं। द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑन दिस डे इट इज़ ए कस्टमरी टू प्ले प्रैक्टिकल जॉक्स ऑन पीपल काजिंग दैम टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू आर टू गो ऑन ए फ्रूटलेस एरेंट। थैंक यू very much. Please subscribe my channel. I shall be very thankful.